आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ए यू मैथ क्लासेस में। जैसे कि लास्ट वीडियोस में हम एक्सरसाइज 3.3 कर रहे थे और 3 क्वेश्चन उसके कंप्लीट कर चुके थे। नेक्स्ट हम करते हैं 4th क्वेश्चन। जैसा उसने किया था कि मल्टीप्लिकेशन थी, इसमें भी नेक्स्ट सम में यही है। ठीक है, अगर आपने पहले वो वीडियो नहीं देखी हो तो पहले आप वो वीडियो देख लेना, उसके बाद ये वाली समझ आ जाएगी। ठीक है, तो हम करते हैं नेक्स्ट 4th क्वेश्चन। 4th क्वेश्चन में क्या है, वेरीफाई दैट, वेरीफाई करना है कि ए बी की पहले प्रोडक्ट करे और सी की उसके बाद में करे, या फिर ए को पहले बार ले या फिर बी सी की प्रोडक्ट करे, तो दोनों इक्वल आएंगे। ठीक है, इफ कब ये प्रॉपर्टी कब सेटिस्फाई, जब ए बी सी ये गिवन है। तो अब हमें वेरीफाई करना है कि अगर ये मैट्रिक्स है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है या नहीं। तो हम फर्स्ट करते हैं ए और बी। ठीक है, ए गिवन मैट्रिक्स है और बी भी गिवन है, तो दोनों के प्रोडक्ट और बाद में सी से करेंगे। तो फर्स्ट लेते हैं ए बी की, ए बी की प्रोडक्ट करते हैं। ए बी क्या है 1 2 3 1 और बी क्या है 2 1 3 2। ठीक है, फर्स्ट हम देखते हैं कि इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है या नहीं। पॉसिबल कब होती है, जब इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है नंबर ऑफ रोज के। यहाँ पे तो रो और कॉलम दोनों इक्वल है क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसकी मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। तो अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे करते हैं, फर्स्ट रो को हर कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने बेसिक में भी किया था ये, अब फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को फिर सेकंड कॉलम से, जितने भी कॉलम होते हैं इतने से मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से 2 × 1 = 2 + 3 × 2 = 6। ठीक है, और 1 × 1 से करेंगे तो 1 + 2 × 2 = 4। ठीक है, अब हम करते हैं सेकंड रो की, क्योंकि फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से भी मल्टीप्लाई होगी सेकंड कॉलम से भी। अब हम करते हैं सेकंड कॉलम की, सेकंड कॉलम की फर्स्ट से करेंगे 3 × 2 = 6 + 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3 + 1 × 2 = 2। तो क्या मैट्रिक्स आई, 2 + 6 = 8, 4 + 1 = 4 + 1 = 5, 6 + 3 = 9 और 2 + 3 = 2 = 5। ठीक है, हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गई है किसकी इक्वल है, ए बी की। अब हमें क्या निकालना है कि इसकी प्रोडक्ट करनी है सी से, तो सेम मैट्रिक्स लिख लेते हैं, इसकी प्रोडक्ट करनी है सी से 1 2 3 3 1 0। ठीक है, अब देखो इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है या नहीं। इसका ऑर्डर है 2 × 2, इसका ऑर्डर 2 × 3, यानी कि इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है इसके नंबर ऑफ रोज के, यानी कि इनकी मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। ठीक है, तो हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं और जो आंसर आएगा वो कैसे आता है, जो कॉलम्स और रो को छोड़ के इसके रो और सेकंड वाले के कॉलम्स, तो यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी, 2 × 3 ऑर्डर की। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं इसकी। ठीक है, तो लिखते हैं ए बी की मल्टीप्लाई करते हैं सी से, दिस इज इक्वल टू फर्स्ट की फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से 8 × 1 = 8 + 3 × 5 = 15, 8 × 2 = 16 + 5 × 1 = 5। ठीक है, फिर 8 × 3 से करेंगे तो 24। ठीक है, और 0 से करेंगे तो 0। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 24, क्योंकि 8 × 3 से करेंगे 24 और 5 × 0 से। ठीक है, अब हम तीनों कॉलम कंप्लीट हो चुके हैं, तो सेकंड रो को पकड़ते हैं और तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 × 1 = 9 + 5 × 3 = 15। अब इसकी करेंगे 9 × 2 = 18 + 5 × 1 = 5। ठीक है, अब हम 9 की करते हैं 3 से 27 और 5 की 0 से 0। ठीक है, तो देखो ये कितने 2 रोज़ है 3 कॉलम्स है इसके अंदर, 2 × 3 ऑर्डर की। ठीक है, तो हमारे पास देखते हैं अब हमारे क्या आता है, 8 + 3 = 23, 21 और 24। ठीक है, कितना 23 21 24 यहाँ पे। ठीक है, 24 15 + 9 और 18 + 5 = 23 और 27। ठीक है, तो हम यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं ए बी सी कितना है, 23 21 24 24 23 27 24 23 और 27। ठीक है, अब हम निकालते हैं ये लेफ्ट हैंड साइड हमारी निकल चुकी है, अब हम निकालेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या है कि फर्स्ट बीसी की मल्टीप्लाई करनी है, तो हम फर्स्ट बीसी की निकालते हैं उसके बाद एसी करेंगे, 2 × 1 = 3 1 और यहाँ पे 1 2 3 3 1 0। ठीक है, इसका ऑर्डर 2 × 2 है, इसका 2 × 3, तो मैट्रिक्स पॉसिबल है, मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करते हैं,
ट्वेंटी वन टू प्लस टू वन प्लस थ्री, फिर टू इंटू टू फोर प्लस वन इंटू वन वन, टू इंटू थ्री सिक्स और वन प्लस जीरो जीरो, ठीक है। थ्री इंटू वन थ्री प्लस टू इंटू थ्री सिक्स, सिक्स प्लस टू और थ्री थ्री इंटू थ्री नाइन। तो हमारे पास क्या आया, फाइव फाइव सिक्स नाइन, एट प्लस सिक्स सिक्स प्लस टू एट और नाइन, ठीक है। हमारे पास आ गया बी सी, अब हमें मल्टीप्लाई करने ए की, ठीक है। या ये बी सी, बी सी की मल्टीप्लीकेशन करते हैं अब ए से, ए बी और सी, ठीक है। फर्स्ट हम लिख लेते हैं मैट्रिक्स वन टू थ्री वन, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले मैट्रिक्स से। ये मैट्रिक्स कौन से, बी सी, बी सी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, फाइव फाइव सिक्स नाइन एट नाइन, ठीक है। अब हम करते हैं इसकी मल्टीप्लीकेशन, फर्स्ट रो को पकड़ेंगे तीनों कॉलम से करेंगे, तो फर्स्ट की फाइव इंटू वन फाइव प्लस टू इंटू नाइन एटीन, फाइव की वन से करेंगे तो फाइव प्लस सिक्सटीन, सिक्स इंटू वन सिक्स प्लस एटीन, ठीक है। अब हम करते हैं थ्री की फाइव से, तो फिफ्टीन प्लस नाइन, फिफ्टीन प्लस एट और सिक्स की थ्री से एटीन प्लस नाइन, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है, ट्वेंटी थ्री, ट्वेंटी वन, ट्वेंटी फोर, ठीक है। तो यहाँ से आएगा ट्वेंटी फोर, एट प्लस थ्री ट्वेंटी थ्री और यहाँ से ट्वेंटी सेवन, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि ए बी, ए की पहले करो या फिर सी की बाद में करो, तो दोनों साइड इक्वल है। तो यहाँ से क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। और हमें क्या वेरीफाई करना था, ये वेरीफाई करना था कि अगर ए को पहले, सी को बाद में ले या फिर ए को पहले ले, से उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि अगर दो इनका ऑर्डर सेम है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर इनका ऑर्डर चेंज कर देते हैं फिर इक्वल हो भी सकते हैं नहीं भी, लेकिन अगर ये है तो इक्वल ही होंगे, ठीक है। ये तो फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, अब हम करते हैं फोर्थ का सेकंड पार्ट, ठीक है। जैसे कि साइड में लिखा हुआ है, ये इसमें भी यही वेरीफाई करना है कि ए बी सी तीन मैट्रिक्स गिवन हमारे पास, तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी है कि ये प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा या नहीं। तो फर्स्ट क्या निकालते हैं, ए बी, जैसे अभी निकाला था वैसे सेम ही निकालना है इसमें भी, ए बी वन वन माइनस के वन, ठीक है, टू जीरो थ्री, थ्री माइनस के वन टू, इसकी प्रोडक्ट करनी है बी सी वन थ्री जीरो टू और माइनस के वन फोर, ठीक है। इसका ऑर्डर कितना है, थ्री क्रॉस थ्री, इसका ऑर्डर कितना है, थ्री क्रॉस टू, तो ये दोनों इक्वल है, इक्वल है तो मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। तो अब हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से थ्री, वन इंटू वन वन, जीरो से करेंगे जीरो, माइनस माइनस प्लस के वन, ठीक है। अब हम इसकी करते हैं सेकंड कॉलम से, वन इंटू वन थ्री इंटू वन थ्री, टू प्लस वन टू की और वन की टू और फोर की माइनस के फोर, ठीक है। ये फर्स्ट फर्स्ट रो की, अब सेकंड रो की करते हैं, टू इंटू वन टू, जीरो की जीरो से जीरो और थ्री की माइनस वन से करेंगे तो माइनस के थ्री। तो यहाँ पे करते हैं टू इंटू थ्री सिक्स, ठीक है, जीरो की टू से करेंगे जीरो और थ्री की फोर से करेंगे तो ट्वेल्व, ठीक है। जब इसकी इससे की, ठीक है, इसकी इससे करेंगे तो थ्री इंटू टू सिक्स, जीरो की जीरो और थ्री प्लस ट्वेल्व। अब थर्ड रो की करते हैं, थ्री इंटू वन थ्री, माइनस वन की जीरो और टू की माइनस वन से करेंगे तो माइनस के टू। अब हम नेक्स्ट नेक्स्ट कॉलम से करते हैं, थ्री इंटू थ्री नाइन, माइनस वन की टू से करेंगे माइनस के टू, प्लस के टू, प्लस टू की फोर से करेंगे एट, ठीक है। तो वन प्लस वन टू, ठीक है, थ्री टू फाइव और माइनस के फोर वन, माइनस के वन एटीन वन और यहाँ से सेवन और फिफ्टीन, ठीक है। ये क्या निकला, ए बी। अब हम किससे मल्टीप्लाई करना है, सी से, तो सी से मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं इसकी, वन टू थ्री माइनस के फोर, टू जीरो माइनस के टू वन, इसका ऑर्डर कितना है, थ्री क्रॉस टू, इसका ऑर्डर टू क्रॉस फोर, ठीक है। तो यानी कि दोनों इक्वल है तो इसकी मल्टीप्लीकेशन तो पॉसिबल है, लेकिन कितने ऑर्डर की आएगी, थ्री इंटू फोर ऑर्डर, थ्री रो जाएगी और फोर कॉलम, ठीक है। अब हम करते हैं इसकी मल्टीप्लीकेशन, फर्स्ट की फर्स्ट से करेंगे तो टू इंटू वन टू प्लस टू इंटू वन टू, टू इंटू वन टू और वन इंटू टू टू, ठीक है। फिर इससे
क्योंकि हमें क्या करना, जित फर्स्ट रो को पकड़ के जितने भी कॉलम्स है, फर्स्ट कॉलम से हो गया, हमें करना सेकंड कॉलम से 2 × 2 = 4, 1 + 0 = 0, 2 + 3 = 2 × 3 = 6, और 1 की करेंगे -2 से तो -2, ठीक है। अब हम 2 की करते हैं -4 से -8, और 1 की 1 से करेंगे तो +1, ठीक है। ये फर्स्ट रो की चारों कॉलम से होगी तो इसको इरेज कर देते हैं, सेकंड रो से करते हैं, ठीक है। क्या है, -1 और 18, -1 के 1 से करेंगे -1, 18 के 2 से करेंगे तो 36, ठीक है। और यहाँ पे -2 और 0 तो -2, यहाँ पे आएगा -3, ठीक है, और -36, तो -4 और 18 के 1 से करेंगे तो +18, ठीक है। अब हम सेकंड रो भी कंप्लीट हो चुकी है, अब हम करते हैं थर्ड रो से, 1 के 1 से 1 प्लस 15 के 2 से 30, 1 के 2 से 2 और 15 के 0 से 0, 1 के 3 से करेंगे तो 3 और -30, ठीक है, 2 से करेंगे तो यहाँ पे -4 और -4 +15, ठीक है। ये क्या निकाले हम लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ पे लिख लेते हैं क्या ये लेफ्ट हैंड साइड, 2 + 2 = 4, 4, 4 और -7, यहाँ पे आएगा 35, -2, -39 और 22, ठीक है। अब हम थर्ड रो को लिखते हैं 31, 2, 27 और 15 + 4 = 11, ठीक है। ये क्या आ गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, हम निकालते हैं हम राइट हैंड साइड, ठीक है। राइट हैंड साइड में क्या निकालना है, पहले बीसी की मल्टीप्लीकेशन करनी है और फिर उसकी ए से मल्टीप्लाई करनी है, तो बीसी निकालते हैं फर्स्ट, बीसी क्या निकलेगा, 1, पहले बी लिखते हैं, 1 0 - 1, 3 2 4 और 1 2 3 - 4, 0 2 2 0 - 2 1, ठीक है। अभी देखो इनकी मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है या नहीं, ये 2 × 3 की है, 3 × 2 की है सॉरी, और ये 2 × 4 ऑर्डर की है, तो 2 2 पॉसिबल है, दो इक्वल है, तो 3 × 4 ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी। तो हम निकालते हैं इसको, 1 की 1 से करेंगे 1 प्लस, क्योंकि फर्स्ट रो को पकड़ेंगे फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड कॉलम से, 2 × 1 = 2 और 0 से करेंगे 0, 3 की 1 से करेंगे 3 और -3 × 2 = 6, फिर -4 और +3, ठीक है। अब हम करते हैं सेकंड रो से, 0 की करेंगे 1 से 0, 2 की 4, ठीक है, 0 की से 0 और 2 की 0 से 0, 0 और -4, 0 + 2 = 2, ठीक है। -1 की 1 से करेंगे -1 +4 × 2 = 8, ठीक है। अब हम इसकी करते हैं -2 और 0, तो फिर -2, -3, ठीक है, और यहां से -8। अब हम इतने क्वेश्चन तो कर ही चुके हैं कि रेगुलरली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो पहले आप ऐसे कर लेना, फिर तो अपने आप आ जाएगी ऐसे करनी, -1 से 4 से करेंगे तो 4 और +4, ठीक है। तो ये किसके इक्वल है, बीसी के, बीसी की वैल्यू क्या आई, 7 2, -3 और -1, 4 0 - 4 = 2, 7 - 2 - 11 और 8, ठीक है। अब हमें क्या करनी है, ए से मल्टीप्लाई, इस मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई कर देते हैं ए से, जो ऑर्डर है ना वही ऑर्डर रखना है, ए को बाद में नहीं लिखना। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, बी सी और ए की मल्टीप्लाई, यानी कि ए सब फर्स्ट में है तो हमें भी फर्स्ट में ही लिखना है पहले ए, तो ए को फर्स्ट में लिखेंगे हम, ए बी सी, ए को यहाँ पे लिख लेते हैं 1 1 - 1, 2 0 3, 3 - 1 और 2, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं बी सी 7 2 - 3 - 1, 4 0 - 4 = 2, ठीक है, फिर 7 - 2 - 11 और 8, ठीक है।
अब मैं देखो 3 × 3 ऑर्डर के है, अभी 3 × 4 ऑर्डर के है, तो जो मैट्रिक्स आएगी वो 3 × 4 ऑर्डर की होगी। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट 7 की 1 से करेंगे तो 7 + 4 और -7, ठीक है। यहां से करेंगे 2 × 1 2, 0 से 0 और -, ठीक है। फिर 1 की 3 से करते हैं -3 और 1 की -4 से 4 और +11, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं -1, 2 की 1 से करेंगे तो 2, ठीक है। 8 की -1 से करेंगे तो -8, ठीक है। अब हम करते हैं सेकेंड रो के 2 × 2 7 14, 0 की 0 और 3 की -6, ठीक है। कहेगा 7 की, सॉरी फर्स्ट से करते हैं हम, से फर्स्ट कॉलम से 7 की 2 से करेंगे तो 14, 0 की करेंगे 0 और फिर इसका 21, 7 × 3, ठीक है। फिर यहाँ से 2 की 2 4, 0 की 0 और 2 की -6, 2 की 3 से करेंगे -6, फिर 0 और 11 की 3 से करेंगे तो -33, ठीक है। अब हम करते हैं लास्ट रो से 2 की -2 से -2 और 0 और 8 की 3 से करेंगे तो 24, ठीक है। अब हम इसकी करते हैं 21, 7 × 3 -4 +14, ठीक है। 2 की 3 से करेंगे तो 6, फिर 0 और -4। अब इसकी से करेंगे तो -9, -1 -4 +4 और -22, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं इसको। लास्ट से करेंगे तो -3 और -1 की 2 से -2 और 8 की 2 से करेंगे तो 6, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं सोल्व करके, 7 से 7 कैंसिल, 4 2 + 2 4, ठीक है। यहाँ पे 7 और 11 4 और यहाँ पे -9 और 2 -7, ठीक है। यहाँ पे 35 -2 -39 और ये 22, ठीक है। यहाँ पे देखो 10 और 21, 31 2, ठीक है। यहाँ पे -5 और -2 -27 और यहाँ पे बचेगा 3 × 5 और 11, ठीक है। ये हमारे पास है राइट हैंड साइड, ठीक है। और जो ये आई थी ये लेफ्ट हैंड साइड थी, तो जो ये और ये दोनों इक्वल आते हैं, यहाँ से क्या कहेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि जो ये वेरीफाई करना था, ये गिवन मैट्रिक्स थी इसके लिए हमें वेरीफाई करना था, ठीक है। ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, नेक्स्ट हम करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके थे, इसमें क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। जैसे हमने लास्ट पिछले एक्सरसाइज में किया था वैसे ही है, ये भी दो इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है और ये दोनों इक्वल टू दिस मैट्रिक्स है, तो वेरिएबल की वैल्यूज निकालनी है। तो यहाँ से क्या करना, फर्स्ट इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 की x से करेंगे तो 3x, ठीक। फर्स्ट ये देखो, ये कितना 2 × 2 ऑर्डर का, ये है 2 × 1 ऑर्डर की, तो जो हमारी मैट्रिक्स आएगी वो कितने ऑर्डर की आएगी, 2 × 1 ऑर्डर की, यानी कि जिसके अंदर 2 रोज होगी और 1 कॉलम्स आएंगे, ठीक है। तो 3 की x से करेंगे 3x और 4 की करेंगे तो -4y, ठीक है। फर्स्ट रो की मल्टीप्लीकेशन होगी किसमें, जितने कॉलम थे, ठीक है। अब हम सेकंड की करते हैं तो एक्स प्लस 2 की करेंगे तो 2y, ठीक है, 2 × 1 ऑर्डर का, और एक इसके इक्वल है x3। ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, कोई भी मैट्रिक्स इक्वल कब होगी, जब इन दोनों के ऑर्डर सेम हो और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे, तो इसका भी ऑर्डर 2 × 1 है, तो यहाँ से कहेगा 3x -4y इक्वल टू 3, और यहाँ से क्या कहेंगे, x प्लस 2y इक्वल टू 11। अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कहेगा 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 22, और इसमें ऐड कर देंगे तो 3x -4y इज इक्वल टू 3, ठीक है। 5x इज इक्वल टू 25, तो x इज इक्वल टू 5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 5। इसमें पुट कर देते हैं, किसी में भी पुट कर दो सेम आंसर आएगा, x इज इक्वल टू 5 इसमें पुट कर देते हैं, तो कहेगा 5 प्लस 2y इक्वल टू 11, तो 2y इज इक्वल टू 6, 5 को साइड ले जाएंगे तो y इज इक्वल टू 3। तो हमारे पास दो वेरिएबल की वैल्यूज आ गई, x और y, वेयर x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 3, ठीक है। ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था,
नॉर्मली ऐसे ही क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। अब हम करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या गिवन है कि मैट्रिक्स की वैल्यू निकालनी है लेकिन विदाउट यूजिंग द इनवर्स। इनवर्स हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएगा, ठीक है। लेकिन इसने यहाँ पे क्या कहा है कि विदाउट यूजिंग द इनवर्स, इनवर्स का यूज किए बिना एक्स की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। अगर इनवर्स का यूज करना होता फिर तो हम क्या करते, फर्स्ट को ए मान लेते, एक्स इज इक्वल टू बी, एक्स ए को साइड ले जाएंगे तो ए इनवर्स बी हो जाएगा, तो ऐसे भी निकल सकते हैं। लेकिन इसने क्या कहा, विदाउट यूजिंग द मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, इनवर्स का यूज किए बिना मैट्रिक्स को निकाल लो और जो एक्स है उसका ऑर्डर 2x2 है, ठीक है। तो हम कंसिडर कर लेते हैं जो मैट्रिक्स है एक्स, ठीक है। इसने सिर्फ क्या दिया कि वो 2x2 की है, तो हम कंसिडर कर लेंगे कोई भी मैट्रिक्स ए बी सी डी, इसका ऑर्डर क्या है 2x2, तो यहाँ से क्या करेंगे वेरिएबल ए बी सी डी की वैल्यू निकाल देंगे तो ये मैट्रिक्स निकल जाएगी और दिस इज इक्वल टू 1 - k 2 - 1 - 3, ठीक है। तो यहाँ से निकालते हैं इन सबकी वैल्यू, मल्टीप्लाई करेंगे तो 5a + 4c, ठीक है, फिर 5b + 4b, a + c 1 की a से और c की 1 से, फिर यहाँ पे b + d, दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1 - 2 - 3, ठीक है। तो कंपेयर कर लेंगे तो फर्स्ट से 5a + 4c इज इक्वल टू 1, 5b + 4d इक्वल टू 1 - 2, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से होगा तो ये -2 के, और a + c इज इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ से b + d इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं हम a की, a किसके इक्वल आएगा 1 - c का, तो इसमें पुट कर देंगे तो यहाँ से c की वैल्यू निकल जाएगी, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं 5, a की वैल्यू क्या 1 - c + 4c इक्वल टू 1, यानी कि 4 वेरिएबल है हमारे पास ए बी सी डी और 4 इक्वेशन है, तो इसलिए हम वैल्यू सोल्व कर सकते हैं इसकी, एक दूसरे में से निकाल के दूसरे में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा 5 - 5c + 4c इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पे 5 और माइनस का सी इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो 5 - 1 को इस साइड ले जाएंगे और सी को उस साइड ले जाएंगे, तो यहाँ से सी इज इक्वल टू 4, तो हमें एक वेरिएबल की वैल्यू पता चल गई। तो यहाँ से ए भी निकाल सकते हैं, ए इज इक्वल टू 1 - c, यानी कि 1 - 4, तो ए इज इक्वल टू -3। तो हमारे पास दो वैल्यू आ चुकी है ए और सी की, ए की वैल्यू है -3 और सी की वैल्यू है 4, ठीक है। तो अब हम निकालते हैं बी और डी की वैल्यू, बी और डी में भी सेम ऐसा ही करेंगे, तो एक इक्वेशन में से निकाल के दूसरे में पुट कर देंगे, तो यानी बी इज इक्वल टू 3 - d, डी को उससे ले जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, तो बी की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं 5 × b की वैल्यू 3 - k d + k 4d इज इक्वल टू -k 2, तो यहाँ से करेंगे तो 15 - k 5d + k 4d इज इक्वल टू -k 2, ठीक है। 15 और -k d इज इक्वल टू -k 2, तो यहाँ से क्या करेंगे 2 को इस साइड ले जाएंगे, d को उस साइड ले जाएंगे, तो यहाँ से क्या है d इज इक्वल टू 17, ठीक है। एक वेरिएबल की और वैल्यू पता चल गई, d इज इक्वल टू 17, तो बचा क्या अब b, b भी निकल जाएगा यहाँ से, b इज इक्वल टू 3 - k d, d की वैल्यू 17, तो b इज इक्वल टू -k 14। तो हमें क्या वैल्यू निकालनी थी a b c d की, यानी कि मैट्रिक्स निकालनी थी जिसका ऑर्डर 2x2 था, तो हमारे पास मैट्रिक्स क्या आई, ठीक है। तो हमने क्या कंसिडर की थी, जो मैट्रिक्स थी एक्स की ए बी सी डी, तो ए की वैल्यू पुट कर देते हैं -k 3, बी की वैल्यू -k 14, सी की वैल्यू 4 और 17, ठीक है। तो जो ये मैट्रिक्स आएगी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, तो ये मैट्रिक्स आएगी जिसका ऑर्डर 2x2 है, और उसने गिवन भी था कि एक्स है जो वो 2x2 ऑर्डर की है, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट है सिक्स का। अब हम करते हैं सिक्स का सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या गिवन है, सेकेंड में ये गिवन है कि एक्स और इसकी मल्टीप्लीकेशन ये आएगी इस मैट्रिक्स की, लेकिन यहाँ पे एक्स का ऑर्डर नहीं हमें बता रखा कि क्या है, वो हमें खुद देखना है कि इन दोनों एक्स का क्या ऑर्डर पॉसिबल हो सकता है। अब देखो एक्स हमें निकालना है, लेकिन जो दो मैट्रिक्स गिवन है ना, इसका ऑर्डर कितना है 2x3, ठीक है, और जो गिवन मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 2x3, ठीक है। तो यहां से देखो एक्स हमें खुद चूज करना है कि एक्स का ऑर्डर क्या होगा। अब ये देखो एक्स का ऑर्डर क्या पॉसिबल है, एक्स जो भी मल्टी जो भी यहाँ पे मैट्रिक्स आएगी ना एक्स, ठीक है,
उसको मल्टीप्लाई करके ये मैट्रिक्स आ रही है, तो इसका मतलब इसके साथ उसकी मैट्रिक्स पॉसिबल है कि मल्टीप्लीकेशन, अगर मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है तो जो इसके नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे और इसके नंबर ऑफ रोज होंगे वो दोनों इक्वल होंगे। तो यानी कि जो एक्स के जो कॉलम्स हैं एक्स मैट्रिक्स के जो कॉलम होंगे वो कितने होंगे, टू, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन कब पॉसिबल होगी, जब इसके कॉलम्स और इसके रो इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके कॉलम्स कितने होंगे, टू, यानी कि इसके अंदर दो तो कॉलम्स आएंगे, ठीक है। अब हमें क्या पता लगाना है, रोज कितनी आएगी। रो देखो कैसे पता चलती है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके ये आ रहा है, और जो हम लिखते हैं अगर दो मैट्रिक्स है ए और बी तो उसकी मल्टीप्लीकेशन क्या आती है, फर्स्ट वाले के रो और सेकंड वाले के कॉलम, ठीक है, फर्स्ट वाले के रो और सेकंड वाले के कॉलम। तो कॉलम तो यहाँ पे थ्री आ चुके हैं और यहाँ पे टू है, यानी कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है एक्स उसके रो कितने होंगे, टू, यानी कि जो मैट्रिक्स हमें निकालनी है वो कितने ऑर्डर की, टू क्रॉस टू ऑर्डर की, ठीक है। दोबारा से देखते हैं, अगर ये मैट्रिक्स निकालनी है तो इनकी मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन कब पॉसिबल है, जब इसके नंबर ऑफ कॉलम्स और इसके नंबर ऑफ रोज इक्वल हो, तो इसके नंबर ऑफ रोज तो टू है, तो इसके नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे, टू, ठीक है। अब हम ये देखना है कि हमें कॉलम तो पता लग गई कि टू है, तो रो कैसे पता चले। रो के लिए क्या करते हैं कि दोनों के मल्टीप्लीकेशन होने के बाद जो मैट्रिक्स आती है वो फर्स्ट के तो नंबर ऑफ रोज होते हैं और सेकंड के नंबर ऑफ कॉलम्स, तो यहाँ से जो फर्स्ट मैट्रिक्स होगी उसके नंबर ऑफ रोज कितने हैं, टू। तो जो हमें मैट्रिक्स निकालनी है वो कौन सी निकालनी है, टू क्रॉस टू की। यहाँ पे हमें गिवन नहीं है कि एक्स कितने ऑर्डर की है, तो हमें देखना पड़ेगा ऐसे ही, अगर कोई और भी सम है जिसमें एक्स गिवन नहीं है कि कितने ऑर्डर है तो ऐसे निकालनी है, ठीक है। तो हम एक्स कोई भी मैट्रिक्स मान लेते हैं ए बी सी डी टू क्रॉस टू ऑर्डर की, और यहाँ से इसकी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स माइनस के सेवन माइनस के एट और माइनस के नाइन टू फोर सिक्स, ठीक है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स माइनस के सेवन माइनस एट माइनस नाइन टू, ठीक है। अब हमें क्या निकालनी है, ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी है, जैसे लास्ट हम किया था बिल्कुल एज इट इज है। यहाँ से देखते हैं इसकी मल्टीप्लाई करते हैं ए प्लस के फोर बी, ठीक है, यहाँ से करेंगे टू ए प्लस के फाइव बी, फिर थ्री ए प्लस के सिक्स बी, ठीक है, टू की थ्री से और फाइव की सिक्स की बी से, ठीक है। यहाँ से इसकी करेंगे तो सी प्लस फोर डी, ठीक है, टू सी प्लस के फाइव डी, थ्री सी प्लस के सिक्स डी, ठीक है। और ये गिवन किसके इक्वल है, माइनस के सेवन माइनस के एट माइनस के नाइन टू फोर सिक्स। तो यहाँ पे ए बी सी डी की वैल्यू निकालते हैं, ए प्लस के फोर बी इज इक्वल टू, तो ये इसके इक्वल होगा माइनस के सेवन, या फिर टू ए प्लस के फाइव बी इज इक्वल टू होगा माइनस एट के, और यहाँ से थ्री ए प्लस सिक्स बी इज इक्वल टू माइनस नाइन। अब हम फिर ये कंपेयर कर लेंगे, तो फर्स्ट इन की वैल्यू निकाल लेते हैं ए बी सी की। तो यहाँ से देखो इसको टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसमें ऐड कर माइनस कर देंगे, तो टू ए प्लस एट बी इज इक्वल टू माइनस के फोर्टीन, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ये फाइव बी इज इक्वल टू माइनस के एट, माइनस माइनस और ये प्लस, ठीक है, यहाँ पे थ्री बी इज इक्वल टू, ठीक है, ये प्लस का है और ये फोर्टीन माइनस का, तो माइनस के सिक्स बी इज इक्वल टू माइनस के टू, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के टू। किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो की वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं ए इज इक्वल टू माइनस के सेवन माइनस के फोर बी, तो माइनस के सेवन और माइनस फोर और बी की वैल्यू माइनस के टू, तो माइनस सेवन माइनस माइनस प्लस एट तो वन, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, वन, ठीक है। यहाँ पे पुट करके देखो सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी ए की वैल्यू वन पुट कर देते तो थ्री और बी की वैल्यू माइनस टू, सिक्स, थ्री इंटू वन थ्री और सिक्स की माइनस के ट्वेल्व इज इक्वल टू माइनस के नाइन, और ये भी माइनस नाइन के, यानी कि हमारी वैल्यू सही है, ए की वैल्यू तो आई हमारी वन और बी की वैल्यू आई माइनस के टू, ठीक है। अब हम लास्ट इन सबको कंपेयर करके लास्ट रोज को तो सी और डी की वैल्यू भी निकाल लेंगे, तो यहाँ से कहेगा सी प्लस के फोर डी इक्वल टू टू, टू सी प्लस के फाइव डी इज इक्वल टू फोर, थ्री सी प्लस सिक्स डी इज इक्वल टू सिक्स, ठीक है। इसको टू से मल्टीप्लाई कर दिया, टू सी प्लस एट डी इज इक्वल टू फोर, टू से मल्टीप्लाई करने के बाद इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, प्लस के फाइव डी इज इक्वल टू फोर, थ्री
डेल्टा इज इक्वल टू जीरो तो डी इज इक्वल टू जीरो, तो डी की वैल्यू क्या है जीरो। अब हम किसी में भी पुट कर दो, सी की वैल्यू निकल जाएगी। अगर यहाँ पे जीरो पुट कर देते हैं तो सी प्लस जीरो इक्वल टू टू, सी की वैल्यू टू। ठीक है, इसमें पुट करके देखते हैं सही है या नहीं। थ्री की सी की टू और डी की जीरो, तो सिक्स इंटू जीरो, सिक्स प्लस जीरो इज इक्वल टू सिक्स, तो ये और ये इक्वल है। यानी कि हमने जो वैल्यू निकाल ली है ए बी सी डी की, वो हमारी करेक्ट निकली है। ए इज इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू वन, बी इज इक्वल टू माइनस के टू, सी इज इक्वल टू टू एंड डी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो जो हमने मैट्रिक्स ए बी सी डी मानी थी वो उसका ऑर्डर क्या था, टू क्रॉस टू, तो वो क्या बनी, वन माइनस के टू, टू और जीरो। ठीक, तो हमारी रिक्वायर्ड मैट्रिक्स ये थी। ठीक है, यहाँ तक हमारे सिक्स क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे सेवन से नेक्स्ट, सेवन से एट जितने आगे रह चुके हैं। ठीक है, यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।